नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। कर्जे के लिए लिए गए लाखों रुपए वापस ना करना पड़े, इसके लिए षड्यंत्र के तहत घर में 12 पन्नों का प्रेस नोट छोड़कर शातिर दीपांशु गंगवार नामक युवक 16वां पहले फरार हो गया था। षड्यंत्र के तहत फरार शातिर युवक दीपांशु गंगवार के ताऊ ने 16वां पहले 4 प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ अपहरण और धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में कोर्ट के द्वारा झूठा मुकदमा करा दिया था। आज थाना अमरिया पुलिस ने 16वां के बाद शातिर दीपांशु गंगवार को उत्तराखंड राज्य के देहरादून के सेला कुई क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता के साथ देखिए ये रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा अमरिया, जिला पिंडरी, थाना अमरिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि दीपांशु गंगवार जो कि उसकी पेस्टिसाइड की दुकान थी कस्बा अमरिया में बाजार के पास, उससे कुछ पैसे हमने उधार दिए थे जिसमें वो कुछ काफ़ी लोगों का कर्जा लेके भागा। उसमें हम 4 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया गया और उसके घर में मेरा सामान रखा था। सामान खाली कराने के लिए कुछ पैसे मैंने उन्हें दिए, उनके चाचा जी को। कितने रुपए लिए थे आपसे? उनसे लगभग 10,000 रुपए के समथिंग लिए। अच्छा, तो आपके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था जी, ये सही था या गलत था? ये झूठ था। झूठा था जी। तो अब दीपांशु गंगवार कहाँ है? अब दीपांशु गंगवार पीलीभीत में है अपने सिस्टर के पास। कहाँ से बरामद किया गया इनको? देहरादून थाना सेला गई। किन्ने बरामद किया इसको? इसमें हम चारों जो मुजरिम थे हम हो गए थे और थाने का स्टाफ गया था जिसमें मनीष दरोगा। पुलिस गई थी जी? पुलिस गई थी। क्या कर रहे थे वहाँ पर? इन लोगों ने हमारा साथ देके वहाँ से बरामद। दीपांशु गंगवार वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ एक फैक्ट्री में काम करते थे, मौजूद में वो अपने रूम पे थे। उनने 15 दिन पहले ही फैक्ट्री में काम छोड़ा था, उनके साथ एक लेडीज भी थी। सूरजपाल सिंह, कहाँ के रहने वाले? अमरिया, थाना अमरिया का रहने वाला हूँ। जिला कौन सा है? जिला पीलीभीत। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ये है कि अब से लगभग 20 महीने पूर्व एक दीपांशु नाम का लड़का जिसने हम लोगों से काफी पैसे ले रखे थे और वो यहाँ से अपने परिवार। आप लोग किस तरह से पैसे देते थे? बतौर उधार ले लिए थे संबंधों के कारण। अच्छा, फिर तो उसके बाद वो अपने परिवार वालों को बता के यहाँ से वो गायब हो गया। गायब होने के बाद उसके ताऊ ने हमारे ऊपर 364, 420, 406, 504, 500 तमाम धाराओं में, 7 धाराओं में लगभग मुकदमा लिखवाया। हम लोग 20 महीने बहुत परेशान रहे। दिनांक 4 तारीख को सुबह उसकी सूचना मिली हमको, मतलब 3 को सूचना मिली, 4 तारीख को सुबह को हम देहरादून गए। देहरादून में उस थाना सेला क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर एक लड़की के साथ रह रहा था जो गढ़वाल की लड़की, मनीष दरोगा जी थे उनके साथ में एक सिपाही था। उन्होंने पहले थाना सेला से सूचना दी कि वहाँ से 2 कॉन्स्टेबल पकड़े, छापा मारने के दौरान वो अपने कमरे में पाया गया। वहाँ से उसको लेके हम सीधे अमरिया आ गए। अमरिया आने के बाद पुलिस को दे दिया। पुलिस ने क्या किया है उसकी हमें जानकारी नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम साहब ये चाहते हैं, जो हमारा मानसिक हर तरीके से हमारा नुकसान हुआ है, हम बीमार हो गए, हमारे सम्मान को हानि पहुंची, हम डिप्रेशन में आ गए, इन चीज़ों का सबको देखते हुए हम उन पर कार्रवाई चाहते हैं, मानहानि का मुकदमा उन पर करेंगे। हम चाहते हैं प्रशासन हमारी मदद करे और हम एक सम्मानित व्यक्ति रहे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे। इस चीज को लेके हमारे बहुत सम्मान पे ठेस पहुंची है। मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ हुआ था? 4 लोगों के खिलाफ। 4 लोग थे जी? कौन कौन लोग थे? मैं स्वयं सूरजपाल सिंह, मेरे भाई बड़े धर्मपाल सिंह, समीर और आशीष गुप्ता। मुकदमा लिखाने वाले कौन थे? ये चंद्र प्रकाश गंगवार जी जो दीपांशु के ताऊ हैं।